आने वाले समय में क्या होगा सीनियर खिलाड़ियों का रोल। हार्दिक पांड्या ने सभी खिलाड़ियों को समझाया रोल के बारे में और सभी खिलाड़ियों ने हार्दिक पांड्या की इस बात को ध्यान से सुना और ध्यान से समझा। हार्दिक पांड्या ने उन सब खिलाड़ियों को रोल के बारे में क्या समझाया, हाँ तो इसी बात को हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाना चाहिए ये कमेंट में जरूर बता देना आप। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद यह छाप हो गया है, कई सारे सीनियर क्रिकेटर को इस टीम से निकाला जा सकता है और अब टीम में ओल्ड प्लेयर को निकालकर और टीम में नए युवा खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। टीम इंडिया रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल की गैर मौजूदगी में न्यूजीलैंड के दोहरे पर गई है। यहाँ 3-3 मैचों की टी20 और वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जानी है, जहाँ 18 नवंबर को जहाँ टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला बारिश के कारण रुक गया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने बताया कि इसके बाद टीम इंडिया में बदलाव देखने को मिलेंगे। हार्दिक पांड्या ने कहा कि नए खिलाड़ी भले ही उम्र से युवा हो लेकिन वो अनुभव के मामले में ज्यादा बेहतर नहीं हो सकते हैं, काफी आईपीएल और काफी इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। हार्दिक पांड्या ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप हो चुका है और मैंने इसे पीछे छोड़ दिया है। निराशा तो रहेगी लेकिन हम पीछे जाकर इसे सीधा नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें आगे के बारे में सोचना है और टीम को अच्छी तरह से तैयार करना है। और इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में जो भी इंडिया को जिताना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।